बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चौथा सबक है। आज आपको मुसन्निफ बताएंगे कि जिस इस्म पर अलिफ लाम दाखिल हो उससे तनवीन हट जाती है, और तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को। और हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी ये भी जो है आप अच्छी तरीके से याद कर लें। देखिए आपके स्क्रीन पर है हुरूफ शमसी ऊपर दिए गए हैं और हुरूफ कमरी नीचे दिए गए हैं। तो हुरूफ शमसी और कमरी के बारे में इतना जान लेना आपके लिए काफ़ी है कि जब लाम के बाद अलिफ लाम के बाद में हुरूफ शमसी आए तो लाम को नहीं पढ़ा जाता, और अलिफ लाम के बाद में हुरूफ कमरी आए तो लाम पढ़ा जाता है। तो आज इसी की प्रैक्टिस होगी। देखिए किताब पर किताबुन, देखिए तनवीन के साथ है अल किताबु अल किताबु, जब अलिफ लाम आ गया तो तनवीन हट गई। फिर उसके बाद है कुरानुन, और एक बात अच्छी से तरह से याद कर ले, तनवीन जब किसी इस्म पर आएगी तो उसका मायना जो है एक के होते हैं, एक कुछ, यानी मौके के महल के हिसाब से उसका तर्जुमा किया जाता है। और अलिफ लाम जैसे हम इंग्लिश में द मैसेज कहते हैं, यानी कोई भी इस्म के साथ में नाउन के साथ में द लगाते हैं, उसी तरह जो है अल का मायनी है। फिल वक्त तो आप इतना ही समझ लीजिए। तो कुरान हो गया कुरान, उसका तर्जुमा एक कुरान होगा। फिर उसके बाद में अल कुरान यानी खास कुरान खास कुरान। दरसुन एक सबक, अदरसु अदरसु खास सबक खास सबक। ये बार बार आपको रटने की जरूरत बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि तर्जुमे के वक्त में जो है ये सब बातें आपको जानना ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद में है दीनुन अद्दीनु अद्दीनु। देखिए जब तनवीन आ रही अलिफ लाम आ रहा है तो तनवीन हट जा रही है, और उसके ऊपर नून के ऊपर एक पेश नज़र आ रहा है आपको। फिर उसके बाद है बैतुन, बैत का माने अरबी में होता है घर, जब तनवीन आएगी तो एक घर। अल बैतु खास घर। तो देखिए आप तनवीन हट जा रही है और अल किताब के अंदर लाम पढ़ा जा रहा है, अल कुरान के अंदर लाम पढ़ा जा रहा है, अल बैत के अंदर लाम पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा काफ और खाफ और बा ये तीनों भी जो है हुरूफ कमरी है, और दाल हुरूफ शमसी में से है, इसके लिए अदरसु में लाम नहीं पढ़ा जा रहा, अद्दीनों में लाम नहीं पढ़ा जा रहा। अब देखिए अल बैतु, अल बैतु में बा जो है लाम नहीं पढ़ी जा रही और ते के ऊपर तनवीन नहीं आ रही। अल वलदु में भी देखिए अल वलदु में चूंकि वाओ हर्फ कमरी है इसके लिए लाम पढ़ा जा रहा है और दाल के ऊपर तनवीन नहीं है। अल किताबु के अंदर भी लाम पढ़ा जा रहा है और बाप तनवीन नहीं है। अल वरकु, वरक का मायने होता है कागज, और उसी तरह वरक का मायने पत्ता भी होता है। अल जमलु ऊंट खास ऊंट, ये अल के साथ में खास का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल, उमूमन द की तरह जो है इसका इस्तेमाल होता है। फिर उसी तरह अल फरसु, देखिए अल हिमारु अल किर्दु अल कल्बु अद दरसु। अब देखिए अद दरसु में दाल चूंकि हुरूफ शमसी है इसलिए लाम नहीं पढ़ा जा रहा, और दाल के ऊपर तजदीद आ रही है, तजदीद आ रही है। अल बैतु अर रजुलु, देखिए रा के ऊपर भी जो है तजदीद है और लाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो अर रजुलु, और लाम पे आखिर में देखिए अर रजुलु के लाम पर यानी उसके लाम कलीमे पर पेश है तनवीन नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं पढ़ो और लिखो, तो आपको दिया गया है ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उस पर जो है तनवीन अलिफ लाम वगैरह हमको लगाना है। अगर तनवीन तनवीन है उस पर, अगर अलिफ लाम नहीं है तो बिना तनवीन के साथ पढ़ेंगे, अगर अलिफ लाम है तो बिना तनवीन के पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कुरान, तो देखिए यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है तो जाहिर सी बात है नून पर तनवीन आएगी, तो पढ़ेंगे कुरानुन। उसी तरह दीनुन पे अलिफ लाम नहीं है तो क्या होगा दीनुन। इस्लाम के ऊपर अलिफ लाम नहीं है तो क्या होगा इस्लामुन। रजुलुन के ऊपर अलिफ लाम नहीं है तो होगा रजुलुन तनवीन के साथ। दरसुन पे अलिफ लाम नहीं है तो होगा दरसुन।
अरबियन पर भी अलिफ लाम नहीं हो तो होगा अरबियन। जमल के ऊपर भी अलिफ लाम नहीं है इसलिए होगा जमलुन। हिमार पर भी अलिफ लाम नहीं है इसलिए होगा हिमारुन। कलबुन पर भी अलिफ लाम नहीं है तो होगा कलबुन। किरदुन पर भी अलिफ लाम नहीं है तो होगा किरदुन। फरसुन पर भी अलिफ लाम नहीं है तो होगा फरसुन। वलदुन पर वलद के ऊपर भी अलिफ लाम नहीं है तो होगा वलदुन। तो खैर ये सारे अल्फाज के मैं मायने आपको नहीं बताया इसलिए क्योंकि आप इससे पहले सबक में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे नीचे देखिए अब दरसु अलिफ लाम के साथ में दर्स इस्तेमाल हुआ है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे अदरसु। अब देखिए इस्लाम लिखा है अब आपको पढ़ना है तो पहले देखिए अलिफ लाम है नहीं है तो इसको पढ़ेंगे इस्लामुन। अब दीन दिया है और अलिफ लाम नहीं है तो पढ़ेंगे दीनुन। रजुलुन अलिफ लाम नहीं है तो होगा रजुलुन। हिमार पर अलिफ लाम नहीं है तो होगा हिमारुन। अब देखिए अलफर्स चूंकि अलिफ लाम है तो होगा अलफरसु तनवीन नहीं आएगी। अलिफ लाम जब भी आएगा तो तनवीन नहीं आएगी। फिर है जमल तो जमल पर अलिफ लाम नहीं है तो होगा जमलुन। अब देखिए कल्ब अब उस पर अलिफ लाम आ रहा है तो होगा अल कल्बु। उसी तरह बैत है उसके साथ में अलिफ लाम भी है तो होगा अल बैतु। उसी तरह कुरान है कुरान पर अलिफ लाम है तो होगा अल कुरानु। अब रसूल है उस पर अलिफ लाम नहीं है तो होगा रसूलुन। यहाँ पर दिया है इस्लाम अलिफ लाम नहीं है तो होगा इस्लामुन। अरब और उस पर लिखा है अलिफ लाम है तो होगा अल अरबु। अरबी बिना अलिफ लाम के आया है तो होगा अरबियुन। फिर उसके बाद लिखा है जन्नत अलिफ लाम के साथ तो होगा अल जन्नतु। चूंकि जीम जो है हुरूफ कमरी है इसलिए लाम भी जाहिर होगा तो होगा अल जन्नतु। फिर उसके बाद में इल्म अलिफ लाम के साथ आया है तो होगा अल इल्मु। किर्द बिना अलिफ लाम के है तो होगा अल किर्दुन। जमल अलिफ लाम के साथ है तो होगा अल जमलु। जहरुन अलिफ लाम के साथ नहीं है तो होगा जहरुन। इसका मायने होता है फूल। वरक अलिफ लाम के साथ है तो होगा अल वरकु। हिमार अलिफ लाम के साथ है तो होगा अल हिमारु। फरस बिना अलिफ लाम के है तो होगा फरसुन। सगीर अलिफ लाम के है तो होगा अस्सगीरु। चूंकि हुरूफ शमसी में से है सौद तो होगा अस्सगीरु लाम नहीं पढ़ा जाएगा। कबीरुन बिना अलिफ लाम के है तो होगा कबीरुन। तो बहरहाल ये तो आज का सबक हो गया छोटा सबक है लेकिन बात काम की है। आपको याद रखना है कि जिस इस्म पर भी अलिफ लाम आएगा जिस नाम पर अलिफ लाम आएगा उस पर तनवीन नहीं आएगी। और अगला सबक सीखने से पहले हुरूफ शमसी और कमरी को जो है अच्छी तरह से याद कर ले ये आपको हमेशा लगेंगे इस्तेमाल होंगे। तो अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाकिर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमिन।